सुख करता दुख करता वार्ता विघ्ना पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदूराची कंठी जल के माल मुक्ता फला जय, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं विघ्नरता भगवान गणेश आप सभी के दुख दूर करें आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर रसपान कीजिए गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का और क्योंकि भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी के दिन भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है और ये व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण होता है लेकिन इस दिन चंद्र देवता के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं इसके बारे में पुराणों में एक बड़ी सुंदर सी कथा प्रचलित है जिसे आप गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बाद सुनेंगे मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश भगवान का जन्म हुआ था गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे तभी देवी पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा ये प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा ऐसे में भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं लेकिन हमारी जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा हो गया और वश तीनों बार माता पार्वती जीत गई खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजय बता दिया जिसे सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे डाला माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी कहने लगा कि माँ मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया मुझे क्षमा कर दीजिए बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गई और उन्हें उस बालक पर दया आ गई उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई ठीक एक वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांचित फल मांगने को कहा उस पर वह बालक कहने लगा हे hey विनायक जी मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी वो भी दूर हो गई इसके बाद ये व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया जिसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के इक्कीसवें दिन वे स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक स्वर में खुद को इसके योग्य बताया ये सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में से किसे इस कार्य को सौंपा जाए ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए एक तो भारी भरकम शरीर ऊपर से उनका वाहन भी मूशक था जो बहुत धीरे धीरे चलता अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाते तो उन्हें तो बहुत समय लग जाता फिर कुछ सोचकर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की सात बार परिक्रमा कर ली परिक्रमा करने के बाद वे माता और पिता के चरणों में बैठ गए भगवान शिव ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोग होते हैं उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया साथ ही कहा कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का ये दिन मनाया जाने लगा अब जानिए कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते वैसे तो पुराणों में इस बारे में भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा भी गणेश जी के गुस्से का शिकार हुए थे जिसका असर कहते हैं कि उन पर आज भी होता है कहते हैं कि एक बार कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास एक आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे वे चाहते थे कि शिव जी और पार्वती जी उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा समझ गए थे वो जानते थे कि कुबेर तो केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुछ जरूरी काम में उलझा होने के कारण बताते हुए आने से मना कर दिया देवी पार्वती ने भी ये कहकर मना कर दिया कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो उनके अकेले जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ऐसे में कुबेर जी दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे तब शिव जी मुस्कुरा बोले कि कुबेर जी अगर आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को साथ ले जाइए गणेश जी आपको सेवा का पूरा मौका देंगे शिव जी गणेश जी की समझदारी को जानते थे इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था अंत में कुबेर जी गणेश जी को ही ले जाने के लिए तैयार हो गए अब मिठाइयों के शौकीन गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भर कर भोजन किया लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से जाते समय वे कुछ मिठाइयाँ और कुछ भोजन अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए भी लेकर जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे फिर क्या था गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को और कुछ भोजन को अपनी गोद में रखा और निकल पड़े अपने मूषक पर सवार होकर, रात का अंधेरा था लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े इस कारण गणेश जी जो कि मूषक पर बैठे हुए थे अपना संतुलन खो बैठे और बड़ी तेजी से नीचे गिर गए परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ और भोजन भी धरती पर बिखर गया वे उठे इधर उधर इस नज़र से देखा कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देख लिया जब उन्होंने किसी को भी आसपास नहीं पाया तो वे मन ही मन बड़े संतुष्ट हो गए कि चलो अच्छा है मुझे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा लेकिन वे कहाँ जानते थे कि दूर आसमान से कोई उन्हें देख रहा था और वो थे चंद्रदेव गणेश जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी मिठाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जब वो मिठाइयाँ इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी उन्होंने नज़र दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई नहीं दिखा लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा तो उन्होंने आसमान में चंद्रमा को हंसते हुए देखा ये देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए उन्हें एहसास हो गया कि किसी ने उन्हें गिरते हुए देख लिया है लेकिन दूसरे ही पल उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के बजाय चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है वे पल भर में क्रोध में भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले घमंडी चंद्रमा तुम इस प्रकार से मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया चंद्रमा की रोशनी भी गायब हो गई वह भयभीत हो गया और अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफी मांगने लगा हे देव मुझे क्षमा कर दीजिए मैं आपके रूप से अनजान था और अपनी सुंदरता के घमंड में आकर ना जाने क्या क्या कह गया हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए इस प्रकार चंद्रमा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह गणेश जी के चरणों में से रखकर रोते हुए कहने लगे लेकिन दूसरी ओर गणेश जी थे कि उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था अपनी भूल को पहचानने के बाद आखिरकार चंद्रदेव बोले कि प्रभु कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए और मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए अगर मैं अपनी रोशनी संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे होने ना होने का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा इस प्रकार चंद्रमा को यूं लाचार और बेबस देखकर अपनी गलती का पश्चाताप करते देखकर कुछ देर के बाद गणेश जी का क्रोध कम होने लगा वे मुस्कराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया परंतु बोले कि हे चंद्रदेव तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया ये अच्छी बात है लेकिन अब मैं चाह कर भी अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि अपनी रोशनी तो तुम खो दोगे लेकिन एक माह में ऐसा केवल एक बार ही होगा इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और पंद्रह दिनों के अंतराल में एक दिन के लिए अपने संपूर्ण वेश में नजर भी आओगे कहते हैं कि गणेश जी का दिया हुआ यह श्राप आज भी चंद्रदेवता को झेलना पड़ता है आज भी चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी रोशनी खोते हैं और माह में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आ जाते हैं जिसे पूर्णमासी कहा जाता है गणेश जी के इस वरदान को पाकर चंद्रदेव बड़े खुश हुए और धन्यवाद देते हुए कहने लगे तभी गणेश जी ने उन्हें एक और चेतावनी देते हुए कहा चंद्रदेव मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप और वरदान दोनों जरूर काम करेंगे लेकिन साथ ही तुमने मेरा जो अपमान किया है उसे सारा संसार याद रखेगा तुमने चतुर्थी के दिन मेरा अपमान किया है इसलिए जो भी भक्त भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को इस दिन तुम्हें देखेगा उसके लिए ये अशुभ संकेत बन जाएगा और उस पर झूठा कलंक लग जाएगा कहते हैं कि तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है अगर ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथाएं भी इसी तरह हर दिन सुन सकते हैं अगर आप जानना चाहते हो कि गणपति जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए किस प्रकार के गणपति को लाना शुभ रहता है तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोज़ को आप जरूर देखेगा